cured. खुशबू जी, ये प्रकृति का कितना अच्छा नजारा है ना, ये सौंदर्य, ये कोयलों की कुकू, ये पक्षियों की चू चू, कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर, कितना अच्छा प्रतीत हो रहा है, कितना अच्छा नजारा है। ये ठंडी ठंडी हवा चलने की वजह से हमें लघु शंका आ रही है खुशबू जी, हम हो जाते हैं, हम अभी गए और अभी आए, आप यहीं बैठे रहिए है ना, हम अभी गए और अभी आए, ठीक है खुशबू जी। तुमने हमको देखा ऐसे, oh no! खुशबू जी हमारी खुशबू जी यही थी, खुशबू जी किसी के साथ भक्त तो नहीं गई आप, खुशबू जी मेरा क्या होगा, खुशबू जी हमारी खुशबू जी कहाँ चली गई, हे भगवान। हाँ, अपराध जांच विभाग के पास कॉल करते हैं। अरे दया, सीओआईडी वाला फोन बज गया, बहुत दिनों से कोई भी केस नहीं आया था भैया, भाई आज पहली बार फोन आया, लगता है कोई केस मिलने वाला है। हाँ यार, ये पन्नियाँ बीनते बीनते और कपड़ा बीनते बीनते भी परेशान हो गए। उठा उठा कॉल उठा। हेलो, नमस्कार महोदय। हाँ जी नमस्कार, आप अपराध जांच विभाग से बात कर रहे हैं? झुका हुआ है। अरे क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, CID यानी कि हम। हाजी हाजी, जाट डिपार्टमेंट यानी कि जाट विभाग केंद्र से बोल रहे हूँ, आपका एड्रेस भेजिए जल्दी से। महोदय हमारा एड्रेस है कवाई की गौशाला, जल्दी आ जाइए। ठीक है, हम अभी पहुँचते हैं, चल दया। अरे दया, हम तो CID वाले, ऐसे जाएंगे क्या? लगता है शक्तिमान बनना पड़ेगा। हाँ यार, अब लगे ना CID वाले, चल। भाई साहब, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? हाँ नमक है, बिल्कुल है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना मनीष बोर्नी और आज मैं आपको लेकर आया हूँ सस्ता चैनल के सबसे हिट शो CID में। जैसा कि चैनल का नाम सुनकर प्रतीत होता है कि ये कितने सस्ते लोग हैं। साला सस्ता एक्टर CID में क्राइम पेट्रोल घुस रहा है। खैर छोड़े इन्हें और मेरे साथ बने रहिए, आइए देखते हैं कि ये सस्ते CID इस केस को सोल्व करते। माननीय महोदय, आपके दंत मंजन में नमक वाली वार्ता को हम समझ नहीं पा रहे हैं, कृपया करके हमें वो समझाने का कष्ट करें। खैर वो सब छोड़िए, ये बताइए कि आप ही ने CID को कॉल किया था? हाँ हमने ही अपराध जांच विभाग को कॉल किया था, क्या आप अपराध जांच विभाग से हैं? है? लग नहीं रहा हमारे कपड़े देख के, CID वाले ऐसे तो कपड़े पहने, लगता है सूट उतरा फालतू ही हो। केस आए जो वो भी खेल रहा है, समझ में ना आ रहे हो तो तुम्हें जाना गया क्या बोल रहे हो। क्या हुआ महोदय, ये विलाप क्यों कर रहे हैं? कुछ नहीं भाई साहब, आपका दुख हमारे सर से देखा नहीं जा रहा इसीलिए रो रहे हैं। परंतु महोदय, अभी तक हमने आपको हमारे दुख से अवगत ही नहीं करवाया। CID वाले देखते पहचान ले कौन दुखी है कौन नहीं। दया तलाश लो इसकी। साले सुतरी के सस्ते अभिजीत, कस्टमर है तमीज से बात कर ले। सर हमारे अभिजीत जी सर की मजाक करने की आदत है, तो आप इनकी बात का बुरा मत मानिए। ये बताइए कि आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया है? हाँ बताइए बताइए, बड़े पुराने दाद हो, खाज हो, खुजली हो, शरीर पर लाल दाग, नीले दाग, चेहरे के सफेद दाग, हर प्रकार की चर्म रोग की सिर्फ एक ही दवा लो भाई साहब।
सुअर के दूध से बने घी में मिलाकर सुबह शाम दो दो चम्मच लेनी है, 15 दिन में जड़ से खत्म। लेकिन इस पुड़िया का हमारे केस से क्या संबंध है? संबंध है महोदय, संबंध है। इस दवा का मेरी जिंदगी के पिछले 7 साल जो मैंने दुख और पीड़ा में व्यतीत किए हैं, उस लाचार और जिल्लत भरी जिंदगी का इस दवा से बहुत गहरा संबंध है। इस दुख और पीड़ा को सिर्फ वही समझ सकता है जो इससे गुजरा हो। मैं आपका दुख समझ सकता हूँ, पर ये बताएं डैड को क्यों बुलाया? हमारी अर्धांगिनी महोदय, हमारी अर्धांगिनी। अर्धांगिनी, ऐसा भी कोई नाम हुआ था? मैंने तो पहली बार सुना। सुना तो मैंने भी पहली बार है। नहीं नहीं महोदय, अर्धांगिनी नाम नहीं है, अर्थात हमारी धर्म पत्नी माई सिंगल वाइफ, और उनका नाम खुशबू है। खुशबू, खुशबू नाम सुनकर ज्यादा खुश मत होइए महोदय। नाम खुशबू है लेकिन नाम के विपरीत गुण है। मेरी खुशबू जो पाद मारती है ना, तो 200 मीटर दूर तक आदमी बेहोश और जानवर मर जाता है महोदय। अब आप सोच रहे होंगे कि हम अभी तक जिंदा क्यों हैं? सोच रहे होंगे ना, हमारी शादी के बाद हमारी सुहागरात वाले दिन हमारी खुशबू जी ने पाद मारा ना, तो महोदय हम बेहोश हो गए। 2 दिन बाद होश आया महोदय, और जब 2 दिन बाद होश आया तो हमारी खुशबू जी ने फिर पाद मार दिया, फिर से हम बेहोश हो गए, और धीरे धीरे हम में उनके पाद को सूंघने की शक्ति जागृत हुई महोदय। हमारे शरीर के अंदर प्रतिपिंड बन गया है। प्रतिपिंड? एंटीबॉडी महोदय, एंटीबॉडी। सर ये बात तो हमें जल्दी से जल्दी ऐसे भी सर को बतानी चाहिए। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो दया, मैं भी सर को कॉल करता हूँ। जो बात तुमने हमें बताई है वही बात हमारे सर को भी बतानी पड़ेगी, तभी हम आपकी खुशबू जी को ढूंढ पाएंगे। जी महोदय, जरूर बताएंगे, बस आप हमारी खुशबू जी को जल्दी से जल्दी ढूंढ दीजिए महोदय। हाँ अभिजीत सर, जल्दी से कवाई आ जाइए। 12 डिस्ट्रिक्ट कवाई। 12 डिस्ट्रिक्ट कवाई जी। व्हाट? मैं अभी आता हूँ, तुम अपना एड्रेस मुझे सेंड करो। जी सर। हाँ सर, मैं अभी आपको व्हाट्सएप पे लोकेशन सेंड करता हूँ। ठीक है, मैं अपने हेलीकॉप्टर से अभी पहुँचता हूँ। ड्राइवर हेलीकॉप्टर निकालो। हेलो हेलो, चेकिंग चेकिंग, हेलीकॉप्टर उड़ने के लिए तैयार है। हेलो हेलो, रिवाइडिंग रिवाइडिंग, हेलीकॉप्टर उड़ने के लिए तैयार है। हेलो हेलो, रिवाइडिंग रिवाइडिंग, हेलीकॉप्टर उड़ने के लिए तैयार है। हाँ अभिजीत सर, ये श्री नितेश बासमती है। नमस्कार एसीपी महोदय। अरे यार अभिजीत, ये कोई सा भी बासमती चावल हो, श्री बासमती चावल हो या पूसा बनासमती चावल, मुझे कोई चावल नहीं खरीदना। काम क्या है वो बताओ। अरे नहीं सर, ये इनका नाम है और ये बता रहे हैं कि इनकी वाइफ को कोई यहाँ से किडनैप करके ले गया है, और इनकी वाइफ की डिटेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि ये खुद आपको बताएंगे। बताइए सर, हमारे सर को बताइए। हमारी खुशबू जी जब पाद मारती है ना, तो 200 मीटर दूर तक आदमी बेहोश और जानवर मर जाता है महोदय। कुछ समझे दया? समझा सर,
समझा, मुझे तो लगता है ये खुशबू लंपी वायरस फैला रही है। तुम खुद समझे अभिजीत? अच्छा तो खुशबू ही लंपी वायरस की मदर है? हाँ अभिजीत, हाँ खुशबू ही लंपी वायरस की मदर है, जनक है। हो ना हो ये खुशबू इस लंपी वायरस को पूरी दुनिया में फैला रही है। हमें जितना जल्दी हो सके इस खुशबू को पकड़ना होगा, वरना पूरे जानवर खत्म हो जाएंगे। अच्छा। और गोपालन मंत्री जी तो जर्मनी में बैठकर आइसक्रीम खा रहे हैं और अपनी बीवी के साथ फोटो शेयर कर रहे हैं, और हमारी सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेगी। कुछ गड़बड़ है दया, बहुत गड़बड़ है। बताओ तुम्हें क्या लगता है अभिजीत? मुझे लगता है गोल गोल लाडू। काम पर ध्यान दो, डांस कर चलो।